फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर इन क्लास 10th द हैप्पी प्रिंस। ये हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, इसका जो हाफ पार्ट था वी रीड इन आवर प्रीवियस क्लास। द हैप्पी प्रिंस हमने देखा था कि जो हैप्पी प्रिंस है ही इज़ नॉट ह्यूमन, ही इज़ वन काइंड ऑफ स्टैच्यू। और वो अपनी जो जर्नी है वो अपनी बता रहा है, किसको बता रहा है, एक स्वैलो को बता रहा है जो कि क्या है, एक बर्ड है। तो वो बोलता है कि किस तरह से मैं पहले जब अलाइव था तो मैं किस तरह की लाइफ जीता था और मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आता था, पर जब वो स्वैलो जब उसकी पीठ पर बैठी थी तो उसके ड्रॉप ऑफ टीयर्स गिर रहे थे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टैचू के नीचे बैठी हूँ तो भी ये मुझे कवर नहीं कर सकता है। फिर इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है अपनी स्टोरी बताने लगा था। तो लेट अस स्टार्ट अवर स्टोरी, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर स्टोरी। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी, पिछली क्लास में बता चुकी थी कि जो हैप्पी फ्रेंड्स है वो बता रहा है कि जहाँ पर मेरा स्टैचू उसके अगर थोड़ी दूर पर देखूँ तो एक घर है जहाँ पर कि एक लेडी रहती है और उसका जो बच्चा है बहुत बीमार है, और वो बहुत बीमार है, रोते रोते उसको ऑरेंज खाना, वो ऑरेंज खाने की ज़िद कर रहा है, पर उसकी मम्मा जो है सिर्फ नदी का ही पानी देती है। तो मेरा ऐसा मन करता है कि जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, उसमें से जो रूबी है, रेड रूबी, वो निकाल कर उसको दे दूँ ताकि वो क्या कर सके, अपने बच्चे के लिए कुछ ले सके। इतना ही कहने के बाद प्रिंस बोलता है, हैप्पी प्रिंस बोलता है, आई एम वेटेड फॉर, हैप्पी प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस वालों को बोलता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वालो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। अब जब हैप्पी प्रिंस वालों को ये सारी कुछ बातें बता रहा था तो हैप्पी प्रिंस ने बोला था कि तुम प्लीज़ मेरे पास कुछ दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। तो स्वैलो है वो बोलती है, स्वैलो है वो बोलता है कि नहीं, मैंने बहुत दिनों तक की इजिप्ट जाने के लिए वेट करा था, और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी दूसरी जगह पर जा चुके हैं, और जो है अब क्या है, सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम ऑफ द ग्रेट किंग, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो वो लोग क्या करेंगे, वो एक टॉम है जो एक राजा है उसका जो टॉम है वहाँ पर जाकर वो लोग बैठ जाएंगे और वहाँ पर सो जाएंगे। द किंग इज़ देयर हिमसेल्फ इन हिज पेंटेड कॉफिन, ही इज़ रैप्ड इन येलो लाइन एंड एम्बेडेड विथ स्पाइसेस, राउंड हिज नेक इज चेन ऑफ पेल ग्रीन जेट एंड हिज सैंड आर लाइक विथर्ड लीव्स। तो स्वालो बता रही है कि जो किंग है उसके बारे में बता रही है कि वो किंग कैसा है, वो भी एक, वो उसको भी किस तरह से जकड़ा हुआ है, उसको एक येलो लाइनन है उससे कवर कर दिया है, और उसको फिर बहुत सारे उसके जो नेक है, जो किंग है उसका जो नेक है उस पर बहुत सारी जो पेल ग्रीन होती है, जो ग्रीन हरा कलर रहता है, उससे पूरे उनकी उसकी चेन को क्या कर दिया है, पूरे चेन से उसको उसके नेक को जकड़ दिया है, और उसके हाथ में बहुत सारी क्या है, पत्तियाँ ही पत्तियाँ। इस तरह का जो स्वैलो है किंग के बारे में बता रही थी। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर, दे द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड। तो प्रिंस बोलता है, स्वैलो स्वैलो सुनो, क्या तुम एक दिन के लिए भी मेरे पास नहीं रुक सकती हो, एक दिन के लिए भी मेरी मैसेंजर नहीं बन सकती हो, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही प्यासा है, और उसकी मम्मा भी कैसी बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वैलो। तो ऐसा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, कौन बोलता है ऐसा, स्वैलो बोलता है। देन लास्ट समर व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर देयर वर टू रूड बॉयज़ द माइलर सन्स हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। तो स्वैलो बता रहे हैं कि मैं अगर पिछले गर्मी की बात करूँ तो मैं जो है नदी के किनारे क्या था रहता था, और मैं नदी में कभी कभी जाया करता था, तो वहाँ पे दो जो लड़के आते थे बहुत ही रूड लड़के आते थे, और जो रूड मतलब कि बहुत ही बुरे लड़के आते थे, और जब उनका जो जिनमें से जो सन आते थे, जो दो लड़के आते थे उसमें से एक फादर था और एक सन था, तो उनका जो सन था वो हमेशा क्या करता था, स्टोन्स फेंकता था नदी में, क्या करता था, स्टोन्स फेंकता था, और जहाँ पर मैं रहता था स्वैलो अगर नदी में रहता था तो वो स्टोन्स क्या करता था, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता था। दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स वी स्वैलो फ्लाई फॉर टू वेल फॉर दैट एंड बिसाइड्स अ कम फैमिली फेमस फॉर इज एलिगिलिटी बट स्टिल वॉज अ मार्क ऑफ डिसरेस्पेक्ट। वो ये बता रहा है कि ठीक है मुझे कभी कभार लगती थी, पर नदी को तो लगती ही होगी, और ये जिस तरह, और कभी मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो जा सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह पर जो नदी है वो तो इधर से उधर नहीं जा सकती, तो एक तरह से मुझे लगता था कि जो वो सन है वो क्या करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है, हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सैड, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर।
तो वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस की तरफ देखता है और हैप्पी प्रिंस कैसा दिखने लगता है उसको, बहुत ही ज़्यादा सैड दिखने लगता है। तो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक रात के लिए मैं आपके पास रुक जाता और आपका मैसेंजर बनकर रुक जाता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है थैंक यू स्वेलो। Then, so the swallow picked out the great ruby from the prince's wand and flew away within his beak over the roofs of the town. तो जब swallow ने इतनी सारी बात करी happy prince के साथ, वो finally वो क्या हो गया, मान गया कि हाँ okay, I will stay with you for one night. तो उसने क्या करा, जो happy prince की sword थी उसको क्या करा, जो तलवार थी उसको happy prince से ली और उसमें से जो red ruby था उसको निकाला और वो अपनी चोंच में दबाकर कहाँ पर चले गया, जो सिटी था उसके उसकी छत पर क्या चले, सिटी जो थी उसके जो घर था वहाँ पर क्या चले गया, उसकी छत पर चले गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। अब क्या हुआ, जो स्वेलो था वो क्या हो रहा था, फ्लू कर रहा था, हवा में उड़ रहा था। तो जैसे ही वो एक टावर तक की पहुंचा तो उसको एक आवाज़ आने लगी। वो कहाँ पर, एक टावर पे पहुंचा, टावर पे जैसे ही पहुंचा तो उसके थोड़ी दूरी पर क्या था, एक पैलेस था जहाँ पर से उसको एक डांसिंग की क्या हो रही थी, आवाज़ आने लगी थी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट द बालकनी विद हर लवर, हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर ही सेड टू हर एंड हाउ वंडरफुल द पावर ऑफ लव। तो जब उसने स्वेलो जो था, जब उसने डांसिंग की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो थी बालकनी में आई थी किसी के साथ। जब उसने देखा तो वो बोल रही थी कि कितने आसमान में देखो कितने सुंदर तारे हैं और ये क्या है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लव, हाउ द वंडरफुल पावर ऑफ द लव। Then I hope my dress will be ready in the time for the street ball, she answered. I have ordered passion flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो जो लड़की बालकनी में से आई थी तो वो अब उसके साथ जो पर्सन था उससे बोल रही थी कि अब मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस जो है वो रेडी हो गई है ताकि मैं जो स्ट्रीट बॉल जहाँ पर पार्टी होती है वहाँ पर मैं जा सकती हूँ और मैंने एक फ्लावर भी ऑर्डर करा है जिस जो कि कैसे पूरा फ्लावर कैसे बना हुआ उसने जो फ्लावर नकली वाला फ्लावर जो है वो ऑर्डर करा है वो कैसे बना हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड से बना हुआ है, पर जिसको मैंने ऑर्डर करा हुआ ऐसा लगता है कि बहुत ही कैसा है, लेजी है, आलस है, आलस वाला ही। He passed over the river and saw the lanterns hanging to the mast of the ships. He passed over the ghetto and saw the all just bargaining with each other and weighing out money the copper scales. अब जो स्वालो था वो उड़ते हुए जा रहा था तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे वो डांसिंग गर्ल को देखा था जो कि बालकनी में से आई थी, फिर उसने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा जब वो रिवर में से पास हो रहा था तो उसने देखा कि जो शीप है उस पर क्या लटका हुआ है, क्या हैंग है, लालटेन हैंग है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्सन ही सॉ व्हाइल ही वाज फ्लूइंग। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, द बॉय वाज टॉसिंग फीवर्शली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, शी वाज सो टायर्ड। अब फाइनली जो हैप्पी प्रिंस ने उसको बोला था कि उस घर में जाना है जहाँ पर कि जो बच्चा है वो कैसा है, बीमार है और उसकी माँ कैसी, बहुत सैड है। तो फाइनली वो उस घर तक पहुँच गया तो वो देखता है कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ही कैसा पड़ा, बीमारी से पड़ा हुआ है और उसकी जो मम्मा है वो भी कैसी है, बहुत ज़्यादा थक गई और वो थोड़ी बहुत सो चुकी है और थोड़ी बहुत जागी हुई है। देन इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट लूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिंबल। Then he flew gently round the bed, fanning the body's forehead with his wing. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. अब क्या हुआ, धीरे से उसने जो स्वेलो था उसने अपनी चोंच की मदद से वो टेबल पर क्या रख दिया, रेड रूबी को रख दिया और जब रेड रूबी को रख कर वो वापस से धीरे से क्या हो गया, वहाँ से उड़कर चले गया। Then after जो बॉय है वो क्या बोलने लगा, जो बॉय था वो क्या, उसके जो बॉय के सर पर से वो क्या स्वेलो क्या करके गया था, विंग उड़ाकर गया था। तो जैसे उसके विंग उड़ाकर गया तो बॉय जो था बीमार वाला बच्चा था वो क्या बोलने लगा कि हाउ कूल आई फील, मैं मुझे इतना अच्छा कैसे लग सकता है, शायद अब मैं कैसा हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, और ऐसे ही वो बोल रहा था। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, इट्स फ्यूरियस ही रिमार्क, बट आई क्विट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। फिर
जो स्वैलो जो था वो वापस से किसके पास आया, हैप्पी प्रिंस के पास आया और बोलने लगा कि जैसे तुमने मुझे बोला था मैं वैसा कर कर आ गया हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा क्या लग रही, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड है, मुझे ठंडी लगनी चाहिए पर मुझे कैसा लग रहा है, अब गर्म लग रहा है। This is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think, and then he fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब वैसा हैप्पी प्रिंस ये बोल रहा है कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम करा है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा, और ऐसा बोल के जो स्वैलो से, और जब प्रिंस जब बात कर रहे थे तो स्वैलो सोचने लगा कि अब मुझे क्या, मुझे नींद आ रही है और मैं तो हमेशा सोने के बारे में सोचते रहता हूँ। When they broke, he flew down to the river and had passed by a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology, as he was passing over the bridge, a swallow is winter, and he wrote a long letter about it to a local newspaper. Everyone quoted it. It was full so many words that they could not understand. अब क्या हुआ, जब जो swallow था वो क्या हो गया था, happy prince के पास में क्या हो गया था, सो गया था। When day broke, he flew. अब क्या हुआ, जब जैसे ही दिन निकला तो क्या हो गया, वहाँ से उड़ गया और नदी में गया, वहाँ पर क्या कर लिया, उसने नहा लिया। After, जब उसने नहा लिया तो जो प्रोफेसर थे ऑर्निथोलॉजी के, ऑर्निथोलॉजी मतलब जो पक्षियों पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, ब्रिज पे से गुजर रहे थे, तो उनको स्वैलो दिखा, स्वैलो दिखा तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करी, इसके बारे में उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में बात डाली, जिसकी उन्होंने कुछ लिखा था लोकल न्यूज़पेपर में, जिसकी जो कि जो उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा था उसके बारे में जो जितने भी लोगों ने उसको पढ़ा था कुछ भी समझ में नहीं आया था। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वैलो, एंड ही वॉज हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द रॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। अब क्या हुआ था, वो हैप्पी प्रिंस के बहुत जोर देने पर क्या था, स्वैलो रुका हुआ था। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये जैसे ही रात गुजरेगी तो मैं कहाँ पर चले जाऊँगा, नेक्स्ट मॉर्निंग में इजिप्ट में चले जाऊँगा, और बहुत ज़्यादा ही जुनून था उसको, बहुत ज़्यादा ही खुश था कहाँ पर जाने के लिए, इजिप्ट में जाने के लिए। और उसने क्या सोचा था कि मैं बहुत सारे पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्स रहते वहाँ पर उड़ते हुए जाऊँगा, टॉप पर से उड़ते हुए जाऊँगा और अपने दोस्तों के पास क्या हो जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। Whenever he went, the sparrows chirped and said to each other, "What a distinguished stranger!" So he insulted himself very much. तो जब वो उड़ता था तो उसको बहुत सारी चिड़िया दिखती थी, तो जो चिड़िया देखती थी तो वो भी ये बोलती थी अरे ये कैसा अजीब है, तो उसको ये सुनकर बहुत ज़्यादा कैसा लगता था, हंसी आती थी, और वो खुद ही अपने आप में क्या करता था, एन्जॉय करता था। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Understood this much everyone? हाँ, part of the story which I discussed with you. Getting everyone this much? The happy prince, हमने अभी तक की जो discuss करा है, समझ में आया आप लोग को? जो चिड़िया थी, जो स्वैलो था, दैट व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो जो हैप्पी प्रिंस बोलते थे, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो जाने के लिए इजिप्ट में, क्या तुम्हारा कुछ कमीशन है क्या इजिप्ट में जाने के लिए? देन आई एम वेटेड इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वैलो, टुमारो माई फ्रेंड्स विल अप्लाई अप टू द सेकेंड कैटरेक्ट। तो स्वैलो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग ऑलरेडी इजिप्ट में जाकर बस गए, ऑलरेडी इजिप्ट में हैं, और वो सेकंड राउंड उनका स्टार्ट कर देगी कहाँ पर जाने के लिए, कैटरेक्ट में जाने के लिए। द रिवर हॉर्स काउचेज अमंग द बुलरिशेस ऑन अ ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन इन द गॉड मोमेन, ऑल नाइट लॉन्ग ही वॉचेज द वॉचेज एंड ऑन ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन सिट्स द गॉड मोमेन, ऑल नाइट लॉन्ग ही वॉचेज द स्टार्स एंड व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स अटर्स एंड क्राई ऑफ जॉय एंड देन ही इज silent and noon the yellow lions come down to the water edge to drink, they have likes eye like green valleys and their roar is louder than the roar of the cataract. Ab cataract ka zikr kar raha hai ki cataract kya hota hai, cataract wo bata raha hai ki cataract aisa hai कि वहाँ पर है ना बहुत सारे घोड़े दिखते हैं जो कि लंबे बहुत सारे लाइन वाइज लाइन क्या करते हैं वो जाते रहते हैं, और जब हम रात की बात करें तो रात में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसी होती है, बड़ी सी होती है, और वहाँ पे तारे ऐसे टिप
टिमटिमाते रहते हैं। और जब हम जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसे जॉयफुल मोमेंट रहता है, बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है और हर जगह कैसी रहती है, शांति रहती है। और जब हम नून की बात करें, आफ्टरनून की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे लायंस आते हैं, बहुत सारे शेर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नदी है बहुत बड़ी बड़ी नदी है और वहाँ पर अपनी प्यास बुझाने के लिए लायंस आते हैं। एंड और वो जब ऐसे दहाड़ती इतनी ज़ोर से है कि जो कैटरेक्ट रहता है उसके आखिरी एंड पॉइंट तक भी जो लायंस रहते हैं उनकी रोर दहाड़ने की आवाज़ एंड पॉइंट तक भी आती है। इस तरह का जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस को बता रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इज गैरेट ही इज लर्निंग ओवर डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन अ टम्बलर बाय हिज साइड इन अ बंच ऑफ विथर्ड वॉलेट्स। अब जो हैप्पी प्रिंस वो वापस से बोलता है स्वेलो स्वेलो सुनो, अब जो है अगर मैं सिटी के बाहर देखूँ या सिटी के आसपास देखूँ तो एक जो नौजवान युवक है वो दिखता है जो कि बहुत सारे उसके साइड में बहुत सारे पेपर्स लेकर जो है उसकी वो बहुत सारे पेपर्स लेकर क्या करता है अपने आप को इकट्ठा करता है। और जो पेपर्स उसके पास किस कलर के, वॉयलेट कलर के हैं। His hair is brown and crisp and his lips as red as pomegranate। और वो उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में जिक्र कर रहा है हैप्पी प्रिंस जो यंग मैन है, उसके बारे में बता रहा है कि उसके जो बाल है वो कैसे हैं, ब्राउन कलर के और ऐसे क्रिस्पी है, मतलब कि बहुत कड़क कड़क है। और उसके जो लिप्स है वो ऐसे लगते हैं जैसे अनार के दाने किस तरह के रहते हैं उस तरह के, एकदम रेड रेड है। देन एंड हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आँखें भी कैसी बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि वो कुछ सपना देख रही है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले इन द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और वह ऐसा बता रहा जो यंग मैन है वो क्या चाहता है कि वो एक थिएटर में जाके एक डायरेक्टर का जो है वो रोल प्ले करे, पर है क्या है वो जो एरिया जहाँ पर वो बसा है वहाँ पर कैसी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता है और जिसकी वजह से हमेशा उसे क्या लगता है कि अब वो इस समय क्या होने वाला है, पैंट होने वाला है, मतलब कि बेहोश होने वाला है। I will wait with you one night longer said the swallow who really had a good heart, shall I take him another ruby? तो स्वेलो बोलता है कि ठीक है मैं एक और दिन आपके साथ रुक जाता हूँ, मैंने तो ऐसा ही पहली बार देखा जो कि इतना दिल का कैसा है, साफ है, जो कि दूसरों के बारे में इतना सोचता है। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, माय आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, देयर आर मेड ऑफ रेयर शेपरीज व्हिच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। अब हैप्पी प्रिंस बोल रहा है कि पर मेरे पास अब जो मेरे स्वाड में है वो रेड रूबी नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उस वुमन को दे चुका हूँ, और जो मेरी आंखों में से जो टीयर्स आपको दिख रहे हैं वाइट शेपरीज, वो भी कहाँ से लेकर आए हैं, इंडिया से लेकर आए थे हज़ारों साल पहले। Pluck out the one of them and take it to him. He will sell it to jewelry and buy food and firewood and finish his play. तो बोल रहा है कि तुम मेरी आँख में से वो क्रिस्टल को निकाल लो और ये किसी ज्वेलर को दे देना, और जैसे ही तुम उसको बेचोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो फिर जो पैसा आएगा वो उस यंग मैन को दे देना। डियर प्रिंस एट द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वेप। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। फिर वो बोलता है कि नहीं, स्वेलो जो था उसकी आँखों में से आंसू आने लग गए थे और वो रोने लग गया था और वो बोलने लगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर प्रिंस बोलता है नहीं, ये तुम मेरा कमांड ऑर्डर सुनकर ही चलो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो टुडे वी कंप्लीटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, आज हमने जो हमारा आधा पार्ट था स्टोरी का वो कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर दिस स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। थैंक यू।